अभी हमारे पास देखो पूरा थ्योरेटिकल है, कोल्ड प्लाज्मा, वार्म प्लाज्मा एंड हॉट प्लाज्मा। सो इनकी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर देखनी है। प्लाज्मा इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड इन कोल्ड, वार्म एंड हॉट प्लाज्मा बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स एंड न्यूट्रल्स एज वेल एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो सबसे पहले कोल्ड प्लाज्मा की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो तीन चीजें आप बताएंगे, टेम्परेचर, आयनाइजेशन और एप्लीकेशन। टेम्परेचर ऑफ द आयन एंड न्यूट्रल एटम्स, या न्यूट्रल्स का मतलब है न्यूट्रल एटम्स, है ना। आयन्स और न्यूट्रल एटम्स का टेम्परेचर कम होता है, कितना होता है, रूम टेम्परेचर के जितना, जबकि इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टिपिकली सेवरल थाउजेंड डिग्रीज। आयनाइजेशन कितना होता है कोल्ड प्लाज्मा में, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज आयनाइज, टिपिकली लेस देन 1%, लेस देन 1% गैस का आयनाइजेशन होता है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन में देख लेना, प्लाज्मा मेडिसिन, स्टरलाइजेशन, सरफेस ट्रीटमेंट जो भी है। वॉर्म में क्या होता है, वॉर्म में बोथ द आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर जो होता है ना ज्यादा होता है ना कम होता है, इंटरमीडिएट होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि हॉट प्लाज्मा में होता है, ठीक है। सो द आयन टेम्परेचर यूजुअली हायर देन इन कोल्ड प्लाज्मा, इसमें कोल्ड प्लाज्मा से ज्यादा टेम्परेचर होता है। आयनाइजेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज आयनाइज कम्पेयर टू कोल्ड प्लाज्मा, बट इट इज नॉट फुल्ली आयनाइज। फिर ये इसके एप्लीकेशन है जो आपको याद रखने हैं। ओके, हॉट प्लाज्मा में बोथ आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ डिग्रीज, विद हायर डिग्री ऑफ थर्मल एनर्जी। आयनाइजेशन में हॉट प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट फुल्ली आयोनाइज, मीनिंग मोस्ट ऑफ एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सारे एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। एप्लीकेशंस में आप यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स, सन, स्टार्स, एस्ट्रोफिजिकल जितने भी होता है वहाँ पे हॉट प्लाज्मा बनता है। सो बेसिकली इनका जो डिफरेंस होता है, अगर एग्जाम में डिफरेंस आता है तो डिफरेंस किस चीज का है, एक तो उनके टेम्परेचर का है, एक आयनाइजेशन का है। इनका जो डिफरेंस आता है वो मेन डिफरेंस होता है। आपके सिलेबस में एक टर्म दिया हुआ है मोड्स, मोड ऑफ कोल्ड प्लाज्मा, वार्म प्लाज्मा एंड हॉट प्लाज्मा। ये होता क्या है, द मोड ऑफ कोल्ड, वार्म एंड हॉट प्लाज्मा जनरली रेफर टू डिफरेंट स्टेट्स और रिजीम्स ऑफ प्लाज्मा बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड आयनाइजेशन, जैसे इनके डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। बट मोड्स कैन ऑल्सो रेफर टू हाउ प्लाज्मा बिहेव्स और प्रोपेगेट्स इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट सच एज वेव, कन्फाइनमेंट और इनस्टेबिलिटीज। हियर अ ब्रेकडाउन ऑफ मोड फॉर ईच टाइप ऑफ प्लाज्मा। सो मोड्स में आप क्या लिखेंगे, कोल्ड प्लाज्मा मोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन, इन कोल्ड प्लाज्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम विद मिनिमल आयनाइज्ड पार्टिकल इंटरेक्शन। कोल्ड प्लाज्मा में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होगी लेकिन आयनाइजेशन मिनिमम होगा। कोल्ड प्लाज्मा सपोर्ट वेरियस मोड्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक मोड, अल्फा वेव्स, सरफेस वेव मोड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मोड क्या होता है, दीज अकर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट द मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करता है तब ये वाले मोड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयन अकोस्टिक वेव, वेयर आयन एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा वेव के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बट यहाँ शॉर्ट में पढ़ लो, लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है प्रोपेगेटिंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर इंपॉर्टेंट इन स्पेस प्लाज्मास। सरफेस वेव मोड, कोल्ड प्लाज्मा कैन जनरेट सरफेस वेव इन स्पेसिफिक कंडीशंस कॉमनली यूटिलाइज्ड इन प्लाज्मा एप्लीकेशन लाइक सरफेस। ये पूरा थ्योरी है एक्चुअली। अब वार्म प्लाज्मा में हाइब्रिड मोड आता है, इसमें बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऊपर हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेट कर रहा था, इसमें दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं। द प्लाज्मा सपोर्ट वेव्स बोथ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन आर इन मोशन बट हैव नॉट रीच्ड फुल आयोनाइजेशन और वेरी हाई एनर्जीज। सम कॉमन मोड्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव, मैग्नेटोसोनिक वेव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑसिलेट एट प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पढ़ा था प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी में। मैग्नेटोसोनिक वेव क्या होता है, मैग्नेटाइज प्लाज्मा होता है। दीज वेव इन्वॉल्व बोथ साउंड लाइक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लास्ट हमारा आता है हॉट प्लाज्मा मोड, इसमें एमएचडी मोड आता है, जो हमने एमएचडी मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक मोड पढ़ेंगे अपन। इट हॉट प्लाज्मा एज फाउंड इन फ्यूजन रिएक्टर्स और एस्ट्रोफिजिकल एनवायरमेंट। द प्लाज्मा एग्जिबिट मोड गवर्न बाय बोथ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये अपन पढ़ेंगे एमएचडी इक्वेशंस में कि वहां पे फ्लूड और ईएम प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। टर्बुलेंट मोड होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हॉट प्लाज्मा टेंड्स टू बिकम टर्बुलेंट लीडिंग टू इनस्टेबिलिटीज दैट कैन कॉज एनर्जी लॉस। इनस्टेबिलिटी मोड, हॉट प्लाज्मा इन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, ये अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, आर प्रोन टू इनस्टेबिलिटीज लाइक द किंक मोड, ये किंक मोड भी अपन पढ़ेंगे। प्लाज्मा ऑसिलेशन हमने पढ़ी लिया है, हाई फ्रिक्वेंसी प्लाज्मा ऑसिलेशन होता है।
सो द मोड्स ऑफ प्लाज्मा इन ईच कैटेगरी डिस्क्राइब हाउ प्लाज्मा पार्टिकल्स इंटरेक्ट एंड प्रोपेगेट वेव्स और एग्जिबिट इनस्टेबिलिटीज अंडर वेरियस कंडीशन. अंडरस्टैंडिंग दीज मोड्स इज क्रूशियल इन एप्लीकेशन लाइक फ्यूजन, स्पेस, वेदर एंड इंडस्ट्रियल प्लाज्मा टेक्नोलॉजी. सो ये बेसिकली आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी है बेसिकली, इनकी डेफिनेशंस और इनके मोड. ओके,